नगर रोड डीक पर अवैध रूप से बेची जा रही तंबाकू और बीड़ी की सूचना मिलने पर थाना डीक पुलिस द्वारा उसके घर मौके पर पुलिस पहुंची, जहां तंबाकू और बीड़ी ले जाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। पुलिस को देखते ही लोग मौके से फरार हो गए और पुलिस द्वारा दो कट्टा जब्त किए गए जो बीड़ी और तंबाकू से भरे हुए थे। तत्कालीन मौके पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर दिया गया। हेड कांस्टेबल हरवीर सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलने पर मैजाबता के साथ आरोपी के यहां तबिश दी गई, जहां आरोपी सुखबीर पुत्र ब्रजलाल जाति जाट निवासी बरावली के घर पर काफी भीड़ लगी हुई थी, जहां पर अवैध तस्करी की जा रही थी। आरोपी के यहां मौके पर 30 पूड़ा 502 के सैंपल 22 सफल तंबाकू के पैकेट बरामद किए गए और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ कर धारा 144 लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी का नाम है सुखबीर, गांव बरावली का रहने वाला, यहाँ रहता है मरेठा के पास नगर रोड डी। मैं जीप सरकारी चालक के 10 दिए थी, 10वां डी में राउंड लॉकडाउन की ड्यूटी कर रहा था, तो जरिए मुझे सूचना मिली कि एक व्यक्ति लॉकडाउन के चलते हुए बीड़ी व तंबाकू बेच रहा है। तो सूचना पर पहुँचे तो वह अपने घर के सामने दो कट्टा बीड़ी व तंबाकू के लेकर बैठा मिला, बेचता हुआ मिला। जो भीड़ थी वहाँ, भीड़ पुलिस को देखकर भाग गई और उसको हम ले आए, जिसमें 22 पैकेट सफल तंबाकू और 30 पैकेट 502 बीड़ी के बंडल मिले, जिनको जब्त किया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।